बढ़ते आगे। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में आज गांधीनगर में दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट किया जाएगा। ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट सीबीआई के लिए आखिरी उम्मीद लग रही है। सीबीआई की टीम गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को लेकर मंगलवार को दिल्ली पहुंची। इसके तहत सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात के गांधीनगर लेकर निकल गई है। और इस वक्त चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी फरहा जुड़ रही हैं। फरहा, देखिए अब एक आखिरी जो ऑप्शन कहें, आखिरी विकल्प कहें, वो सीबीआई ये आजमाना चाहती है। ये टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके सहारे अब लीड लेने की कोशिश कर रही है सीबीआई, क्योंकि देखिए एसआईटी ने भी जांच की, कोई अहम एंगल छान नहीं पाई। अब सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है, वीडियोग्राफी हुआ, सीन रिक्रिएट हुआ, सब कुछ हुआ, इवन के पोस्टर्स भी लगाया गया कि अगर कोई लीड देता है इस मामले में तो उन्हें 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग समेत कई और टेस्ट, उम्मीद यही कि अब इन टेस्ट के जरिए सीबीआई के हाथ कोई बड़ी लीड लगे जज मौत मामले में। जी आरती, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको या तो लास्ट ऑप्शन कह लें या एक आखिरी उम्मीद कह लें, क्योंकि सीबीआई के लिए ये एक आखिरी उम्मीद ही रह गया है, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा है। चाहे वो पोस्टर की बात करें कि चप्पे चप्पे पे जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं कि 5 लाख रुपए मिलेंगे उस इंसान को जो इसके बारे में कुछ जानकारी देगा, वहीं अगर हम बात करें और टेस्ट की, तो ये जो मंडे से ये सिलसिला शुरू हुआ कि पहले झारखंड से उनको दिल्ली लाया गया, अब दिल्ली से गुजरात और गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक लैब में उनको ले गए हैं, तो सबसे पहले कोरोना और अन्य टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे, मेडिकल जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो होंगे, उसके बाद जो है वो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होगा। उसमें भी जो है सीबीआई पूरी तरीके से तैयार है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनवाई है और सबसे पहले तो वो वीडियो दिखवाएंगे, उसके बाद जो है वो सवाल जवाब होंगे। एक तरफ से जैसे कि आपने कहा कि एसआईटी ने भी जांच की थी, उनके भी कुछ नहीं लगा, तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, टेक्निकल चीजों का सहारा लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पक्के, उनके जो सबूत हैं और वो जेल के पीछे हों, तो कोशिश पूरी है, लेकिन इसको आखिरी उम्मीद कह के ही चल सकते हैं। और इसकी जो सीमा है वो 3 सितंबर तक की है, पहले 19 अगस्त तक की जो थी इसको टाइम दिया गया था, लेकिन हाथरस में भी हमने देखा कि इन सारे टेस्टों में 15 दिन का जो है वो पूरा समय लगा, तो यहां भी जो है इनको मोहलत जो है 19 अगस्त तक की दी गई थी, लेकिन इसको स्ट्रेच करके 3 सितंबर तक कर दिया है। तो सीबीआई के पास अभी तक 3 सितंबर तक का वक्त है, इसी बीच जो भी इनके टेस्ट होने हैं वो सब होंगे और उसके बाद आगे पता चलेगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट सौंपी जाती है और किस तरीके से जो है केस आगे शेप लेता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो केस शेप ले रहा है उसमें ज्यादा कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है, इसलिए सीबीआई को जो है इसका सहारा लेना पड़ा है टेक्निकल टेस्टों का। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकल के इन सब टेस्टों में सामने आता है। बिल्कुल, और फरहा देखिए ये भी एक बहुत दिलचस्प बात होगी कि कम से कम ये, अगर इन टेस्ट के बाद कम से कम ये पता चल सके कि जांच की दिशा किस तरफ होगी, क्या वो एंगल क्या होगा, क्या ये एक्सीडेंटल डेथ की तरफ से जांच की जाएगी या फिर ये मर्डर के एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि इस लीड के बाद ही कोई एक नया, अगर कहें कि क्लू मिल पाएगा, एक लीड मिल पाएगी सीबीआई की टीम को कि आखिर जांच का एंगल क्या होगा। इसलिए ये टेस्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंतजार, इस टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार सीबीआई की टीम कर रही होगी बड़ी शिद्दत से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सीबीआई की जो टीम है वो, उनकी निगाहें इसी टेस्ट पर हैं, क्योंकि इसके बाद ही जो है वो पता चलेगा कि जो केस है वो कहाँ लीड कर रहा है, ये एक्सीडेंटल डेथ है, ये मर्डर की तरफ जा रहा है, किधर इशारा कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई उसमें जो भी उनको सबूत मिले उससे कुछ सहमति तो मिली है, लेकिन उस पर हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ है उनके पास या पूरी तरीके से सुराग हाथ लगे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये पूरा केस लीड हो रहा है उसमें काफी कुछ हाथ नहीं लगा है, तो ये टेस्ट
टेस्ट बहुत अहम है, इन पर ही सब कुछ डिपेंड होता है, क्योंकि आगे जो ये केस दिशा लेंगे वो इन टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा और जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो सबकी नजरें इस रिपोर्ट पर हैं और ये देखा जा रहा है कितनी जल्दी ये टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 सितंबर से पहले अगर जल्द से जल्द ये टेस्ट कराए जाते हैं तो किस तरीके से जो ये केस है वो शेप लेगा और आगे क्या कुछ निकल कर आएगा। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं और सबसे ज्यादा CIB जो है इसी चीज का वेट कर रही है कि ये जो टेस्ट है वो कुछ केस को शेप दे दे। चलिए बिल्कुल, CBI जरूर शिद्दत से इंतजार कर रही होगी फराह की जल्द से जल्द ये टेस्ट रिपोर्ट्स आए, क्योंकि इसी रिजल्ट पर बेस होगा आगे का क्या प्लान होता है CBI का, किस तरह से जांच करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका फरहा। तो देखिए, आरोपियों की ब्रेन मैपिंग कराई जाएगी, नाको टेस्ट होगा, हालांकि 3 सितंबर तक ये कराया जाना है, लेकिन देखिए 10 से 15 दिनों का वक्त लगता है। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये टेस्ट करा लिए जाए, हालांकि आज बेसिक मेडिकल टेस्ट कराए जाएंगे कोरोना समेत जो है, उसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद आगे के टेस्ट कराए जाएंगे दोनों आरोपियों के। ये टेस्ट गांधीनगर में होंगे, नाको टेस्ट की जो बात कही जा रही थी, और उसके बाद CBI के हाथ क्या कुछ लीड मिल पाता है, क्या कुछ क्ल्यू मिल पाता है, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा इन टेस्ट रिजल्ट्स पे।